गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमए प्रीवियस के बहुत इम्पोर्टेंट क्रिएशन रेप ऑफ द लॉ, जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी छात्र आरयू से हो और मत्स्य से हो, पंडित दीनदयाल से हो और शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हो और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी से हो, विशेष रूप से देखें क्योंकि यह सबके कॉमन आई है। तो रेप ऑफ द लॉ अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया एक मोस्ट हीरोइक पोएम है और इसको पब्लिश 3 कैंटोज में पब्लिश हुई है, 1712 में 334 लाइनों में, 2 कैंटो में, 1714 में 794 लाइनों में, 5 कैंटोज में और फाइनली 1717 में पब्लिश हुई। और ये जो रेप ऑफ द लॉ जो लिखी गई है वो एक घटना पे लिखी गई है और वो घटना हुई थी अरे बिलास की, जो लोग काटी गई थी पीटर के द्वारा, उस घटना पर ये आधारित है। और पोप ने ये कविता जो लिखी ये अपने मित्र के एक रिक्वेस्ट पे लिखी जो कॉमिकली मर्ज करना चाहता था उसे। तो एक शॉर्ट नोट है इसके बारे में। अब हम चलते हैं रेप ऑफ द लॉ की स्टोरी क्या है। तो देखो इसमें मेन कैरेक्टर में बेलिंडा है जो कि एक अच्छे परिवार से है, राजशाही परिवार से है, तो ये बहुत खुश रहती है, आनंदित रहती है। तो ये एरियल इसका गार्ड रहता है और एक कई सारे नौकर चाकर है इसमें, जिसमें सेल्फ है जो इसकी ध्यान रखती है और बेटी नाम की कुछ नौकरानियां हैं जो इसके कुछ बालों का ध्यान रखती है, कुछ इसके सौंदर्य प्रसादनों का ध्यान रखती है। और बेलिंडा हमेशा ऐसे लोगों से घिरी हुई रहती है, दोस्तों से, जो सारे दिन भर ये हंसती है, खेलती है, इधर उधर घूमती है। तो एक बार हैम्पटन कोर्ट पर घूमने के लिए जाती है जब क्वीन एलिजाबेथ भी जाया करती थी, तो वहां पर सारे दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती है, मुस्कुराती है, हंसती है, घूमती है और एक शानदार दावत का एक बड़ी टेबल पर आयोजन होता है। वहीं पर ही इसे लॉर्ड पिंटर देखता है। लॉर्ड पिंटर कई बार इसकी चोटी काटने की कोशिश करता है लेकिन शेल्फ इसे मना कर देती है, लेकिन अंत में अपनी एक साथी केरियोला के द्वारा उसी टेबल पर जहां पर खाना खाते हैं वहां पर इसे कैंची मिल जाती है और एक फुर्ती से इसकी बेलिंडा की चोटी काट देता है। चोटी काटते ही बेलिंडा जो है बहुत दुखी और बहुत परेशान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है और वह बुरी तरह से लॉर्ड पिंटर पर कूद पड़ती है और वह लॉर्ड पिंटर के गले को दबाती है और उसे ऊपर चीख भी चिल्लाती है। लॉर्ड पिंटर ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता था कि वो उसकी खूबसूरती को बद खूबसूरती में बदलना चाहता था जो वो काम कर चुका था। तभी इसका एक साथी रहता है ग्नोम अंबारी, ये तुरंत गोडेस पृथ्वी गोडेस थेरिसा के पास जाता है और उसके पास में एक थैला भर के लेके आता है निराशाओं का, चीख चिल्लाहटों का और परेशानियों का, और वो ला करके वह बेलिंडा के ऊपर उड़ेल देता है जिससे बेलिंडा और आक्रामक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू है, बाल बिखरे हुए हैं और उसकी खूबसूरती बिल्कुल बदसूरती में बदल जाती है और वह लॉर्ड पिंटर को उसकी चोटी ढूंढ के ला के लेने के लिए कहती है, लेकिन अब उसकी चोटी गायब हो चुकी है और वो देवताओं के पास जा चुकी है। तो ऐसा करके एक मोक्ष टायर की रचना जो है वो रेप ऑफ द लॉ ने लिखी है। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इन कैरेक्टरों का विशेष ध्यान रखें और डिटेल में पढ़ें, इसकी लिटरेरी थ्योरी को जरूर पढ़ें कि ये एक लड़की, एक जिसका नाम है अराबेला, उसके बालों के ऊपर आधारित है। तो जब आप ये लिखें तो ये सोर्स में जरूर लिखें और इसका क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का आता है। तो जब आप इसका क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे तब आप पोएट का इंट्रोडक्शन, पोएम का थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ ये मोक हेरो पोएम क्या है, इसमें कॉमेडी क्या बताई गई है, स्टूपिडिटी क्या बताई गई है, ब्रिटिश कल्चर क्या बताया गया है इसमें और इसका सोर्स क्या है, ध्यान रहे इसका सोर्स भी आपको बताना है कि इसका सोर्स क्या है ब्रिटिश कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर में ऐसा क्या हुआ। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट में आप इसकी स्टाइल को, इसकी थीम को, इसकी लिटरेरी थ्योरी को, इसके साउंड को, म्यूजिक को और इसकी ब्यूटी को, इसकी इमेजनरी को, इसकी एलोगोरिकल मेथड क्या है इसमें और इसमें बैलेड क्या है इसमें, ये सारी चीजें बताते हुए आप इसके इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप उसी के आधार पर इसको लिख करके तैयार करें और देखें कि मेरी वर्ड लिमिट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है और इसमें लिटरेरी थ्योरी मैंने दी है नहीं दी है। अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से लिखें। अब जिन छात्रों को इन यूनिवर्सिटीज के जो भी नोट्स चाहिए, चाहे वो हमें प्रीवियस हो फाइनल हो, हमारे यहाँ से उसे नोट्स उपलब्ध हो सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902, 8963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।